देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। इसे माता रानी की मर्जी समझ लीजिए। पूरे मान सम्मान के साथ हम देव और विधि की शादी करेंगे। और आपकी बेटी हमारे घर में खुश रहेगी, ये मेरा वादा है। हरि प्रसाद जी, आप कुछ बोलिए ना, क्या आप अपनी बेटी हमें देंगे? आपको समझ में नहीं आ रहा? मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी कोई बेटी है ही नहीं। कौन विधि, कैसी विधि, किसके रिश्ते की बात कर रही है? मेरा कोई लेना देना ही नहीं है इन सब चीजों से। हरि प्रसाद जी, मैं दरअसल सत्यवती जी, हो सकता है देव जी की नीयत खराब नहीं थी, लेकिन इन दोनों की उम्र में बहुत बड़ा फर्क है। आप खुद भी एक बेटी की माँ है ना, और विधि तो शायद चित्रा से कुछ साल छोटी ही है, तो आप अपने आप को हमारी जगह रख के देखिए, क्या आप अपनी बेटी की शादी ऐसी बेमेल करा देती? अगर आज ही शादी हो जाए तो विधि की जिंदगी क्या होगी? 10-15 सालों में जब विधि की जिंदगी शुरू होगी, तब देव जी की खत्म? घूमने फिरने की उम्र में वो देव जी के सिराने बैठकर उनकी सेवा कर रही होगी। जब तक बच्चे स्कूल कॉलेज जाएंगे, तब तक देव जी का क्या हाल होगा, ये सोचा है कभी आपने? वो समय से पहले बूढ़ी होने पे मजबूर हो जाएगी सत्यवती जी। आज से 20 साल बाद आपका बेटा 65 साल का होगा और विधि 40 की। ये जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, और मेरी बच्ची की जिंदगी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कहाँ बातों में लगा रही हो सत्यवती जी को? अरे बड़े लोग हैं, समय बहुत कीमती होता है, सत्यवती जी को जाने दो। हरि प्रसाद जी, आज तो मैं सोचकर ही आई थी कि आपसे बात जरूर करूंगी और आपको ये यकीन दिलाऊंगी कि विधि हमारे घर में बहुत खुश रहेगी, ये मेरा वादा है। जैसे आप हैं, खुश खुश खुश, पति के बिना, पति के बिना, के बिना, के बिना। ना उम्र की सीमा हो। सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।